दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टी शेप अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, ये टी शेप का क्या मतलब होता है, कब किसे डेबिट करा जाएगा और कब किसे क्रेडिट करा जाएगा, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। दोस्तों, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, इसके तीन पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपने अभी वो नहीं देखा है तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक हैं, तो प्लीज आप पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री देख करके तब इस पर आइए, क्योंकि ये है हमारा पार्ट फोर। इसके अंदर हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि टी एस ग्रेवाल की बुक के हैं हम सॉल्व करने वाले हैं। सेवंथ क्वेश्चन नंबर सेवन से आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये टी शेप अकाउंट होता क्या है। टी शेप अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली जाती है, कैसे इसे डेबिट करना है, कब इसे क्रेडिट करना है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है आपका व्हाट इज एन अकाउंट, यानी कि अकाउंट क्या है। तो अकाउंट क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इसे हम पूरा प्रिपेयर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती है वो हम आज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका शेप जो होता है वो टी शेप होता है। टी शेप क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए ये जो लाइन, एक लाइन ये, ठीक है, ये जो है ये टी बना हुआ है। सब्जी का आपको क्या मिलेगा, टी बना हुआ मिलेगा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं टी शेप अकाउंट, ठीक है ना। ये जो अकाउंट बनेगा, हो सकता है ये कैश का अकाउंट हो, या हो सकता है ये एक्सपेंस का अकाउंट हो, या हो सकता है ये कैपिटल का अकाउंट हो। जो इससे पहले हमने सारे अकाउंट्स पढ़े थे, ठीक है ना, पर्सनल रियल नॉमिनल के अंदर, वो किसी भी वर्ड का एक अकाउंट बन सकता है, ठीक है ना। ये वेजेस अकाउंट भी बन सकता है, तो किसी भी तरह का अकाउंट बन सकता है। अब इस अकाउंट के अंदर जो कॉलम्स बनेंगे वो किस फ्लो में बनेंगे हम देखते हैं। जो सबसे पहला कॉलम होता है वो होता है हमारा डेट का, यानी कि इस कॉलम के अंदर आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है ना। जो सेकंड कॉलम होता है वो होता है हमारा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर किसे कहा जाता है, पर्टिकुलर का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो क्या हुई है, क्या आया है, क्या गया है, आपने क्या ट्रांजैक्शन की है, वो पर्टिकुलर कहलाता है। ये आएगा सेकंड कॉलम में। जो हमारा थर्ड कॉलम होता है इसके अंदर आता है जे एफ की फुल फॉर्म होती है जर्नल फोलियो, ठीक है। जर्नल फोलियो किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक लेजर अकाउंट होता है, ठीक है। ये अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगे के चैप्टर है उसके अंदर हम जर्नल एंट्री भी सीखेंगे, इसके बाद में लेजर अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। तो पहले जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं, वो मिक्स होती हैं बहुत सारी, इसके बाद में प्रत्येक का हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री के अंदर लेजर फोलियो बनाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि वहां पे क्या होता है, एलएफ होता है, लेकिन ये हमारा लेजर है तो इसके अंदर जर्नल फोलियो लिखा जाएगा। जैसे आप अपनी बुक्स के अंदर देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको अपनी बुक का चैप्टर नंबर 10 निकालना है, तो आप वैसे ढूंढोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इंडेक्स में जाके देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 10 कौन से पेज नंबर से स्टार्ट है। पेज नंबर देखने के बाद आप सीधे उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां से आपको स्टार्ट करना होता है, मतलब जहां आपका चैप्टर नंबर 10 होता है वहीं पहुंच जाते हो, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि वहां पेज नंबर लिखा हुआ था। बिल्कुल यही सीक्वेंस होता है इस लेजर का और जर्नल का, यानी कि जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें लेजर फोलियो लिखेंगे एलएफ, और जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर हम लिखते हैं जर्नल फोलियो, यानी कि जर्नल की कौन सी एंट्री लेजर के अंदर कहां मिलेगी, या फिर लेजर की कौन सी एंट्री आपको जर्नल में कहां मिलेगी। इस तरीके से लिंक होता है जिससे हम आसानी से हर एंट्री को ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आपका कोई काम नहीं है इसका, लेकिन चूंकि ये आता है इसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया, जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। नेक्स्ट कॉलम जो है गाइज आपका वो है अमाउंट का। तो अमाउंट को आप सिंबल से भी दिखा सकते हो या आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपका आ गया अमाउंट। तो एक दो तीन चार, चार कॉलम बनेंगे हमारे, और ये जो कॉलम होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डेबिट साइड। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं डेबिट। ये जो साइड होगी आपकी, ये डेबिट साइड होगी, इसे हम बोलते हैं डेबिट साइड। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें
नेक्स्ट कॉलम्स की। तो नेक्स्ट कॉलम में जो सबसे पहला होगा आपका अगेन वो क्या होगा, डेट का कॉलम होने वाला है। डेट के बाद में जो सेकंड कॉलम होगा, अब ये इसी सीक्वेंस में चलेगा, यानी कि सेकंड जो होगा आपका वो होगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो आपका फिर से क्या होगा, जेएफ होगा, यानी कि जर्नल फोलियो होगा। और लास्ट में जो आपका होगा ये होगा हमारा अमाउंट का, अमाउंट का, या आप रुपीज का सिंबल भी यहां लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप रुपीज का सिंबल भी यहां लगा सकते हैं। तो ये आपका बेसिक एक स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। अब ये जो हमारी सेकंड साइड बनी है इसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्या बोलते हैं जी, क्रेडिट साइड। यानी कि जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट था, लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होगा उसे हम कहते हैं डेबिट साइड, और जो आपका राइट हैंड साइड का जो पार्ट होगा इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। लेकिन आप इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इसके सिंबल आपको सिर्फ इसके ऊपर हेड पे दिखाने होते हैं, उसी से अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये जो साइड है आपकी कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड है, यानी कि DR इज स्टैंड्स फॉर डेबिट साइड एंड CR इज स्टैंड्स फॉर क्रेडिट साइड। वहां कोने पे आप लिख देंगे क्रेडिट CR और यहां आप लिख देंगे डेबिट यानी कि DR। तो ये सिंबल होते हैं, आपको ये नहीं लिखना होता, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है ना। यहां तो आपकी ट्रांजेक्शन रहेंगी। अब बात करते हैं, देखिए जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये कैश का अकाउंट है, क्या ये कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश का अकाउंट कौन सा बैलेंस होता है हमारा, बैलेंस BD होता है, यानी कि डेबिट बैलेंस होता है। हमने देखा था कि जब भी फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर ऑनर सबसे पहले कैश इंट्रोड्यूस करता है तो कैश फर्म का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो इसीलिए जो बैलेंस आ जाएगा कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, लेकिन किसके नाम से होगा, देखिए ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम जिसका भी अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट के अंदर उसका नाम नहीं आता, बल्कि वो किसकी वजह से बढ़ा है और वो किसकी वजह से घटा है, सिर्फ हमें वो चीजें इसके अंदर लिखनी होती है, ठीक है। यानी कि अगर कैश की एंट्री हो रही है, कैश मेरे पास आ रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे कमीशन रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया तो मुझे कैश मिल गया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू होता है कमीशन, तो यहाँ पे टू कमीशन करके कैश लिख दिया जाएगा, यहाँ पे टू कमीशन, ठीक है ना, टू कमीशन रिसीव्ड करके यहाँ पे मेरा अमाउंट लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे 500 रुपए की कमीशन रिसीव्ड हुई है तो टू कमीशन करके 500 रुपए लिखा जाएगा, कैश का नाम नहीं आएगा, क्योंकि देखिए दो ही पक्ष होते हैं, दो पक्ष कौन कौन से होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, क्योंकि आपकी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो आपका कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो किस से डेबिट हो रहा है वो चीज इसके अंदर लिखी जाएगी, ना कि कैश का नाम, ठीक है ना। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तब आपकी जो भी कंफ्यूजन बन रही है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब बात करते हैं डेट की, डेट लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल चल रहा है 2023 चल रहा है और जो आज की डेट है वो है 14th, आज 14th है, वो भी जनवरी, ठीक है ना, जनवरी, तो 14th जैन और ऊपर आप क्या लिख देंगे, सन लिख देंगे, जो भी होगा। ये तरीका होता है डेट लिखने का अकाउंट्स के अंदर। जर्नल फोलियो का कॉलम आप ब्लैंक छोड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा तो आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप फिलहाल इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास से कैश जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को सैलरी दे दी, अब सैलरी दे दी तो कैश गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी और टू क्या हो जाएगा, कैश, यानी कि कैश आपका गया है, तो इसमें कैश तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सैलरी, वो भी बाय, ठीक है ना, बाय सैलरी, बाय सैलरी। कितना कर देंगे हम, जैसे मान लीजिए जो भी आपने सैलरी दी हो किसी को, मान लीजिए 5000 रुपीज दिए हो, 5000 रुपीज सैलरी यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, कैश का नाम नहीं आएगा, कैश आ रहा है या जा रहा है बस हमें यह देखना है, और किसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, वो वजह यहां लिख देंगे हम।
लास्ट में इसका टोटलिंग करेंगे, एक साइड ज्यादा होगी और एक साइड कम होगी, जो शेषफल बचता है हमारा उसे बैलेंस करने के लिए या इधर लिख देंगे या इधर लिख देंगे। यानी कि ये लास्ट में जो दोनों अमाउंट आएंगे ये हमारे क्या आएंगे, ये हमारे इक्वल आने चाहिए। लास्ट में जो दोनों अमाउंट आएंगे हमारे इक्वल आएंगे, क्योंकि जो भी कम या ज्यादा होगा उसे बैलेंस करने के लिए हम बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी करके उसे बैलेंस कर देते हैं, वही आपका आंसर होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ओपन अ टी शेप अकाउंट। तो टी शेप अकाउंट क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है। तो टी शेप अकाउंट जो बनाना है हमें फॉर मशीनरी के लिए, यानी कि मशीनरी का बनाना है हमें, एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। यानी कि प्रॉपर साइड का मतलब क्या है, कौन सी चीज किस जगह जाने वाली है, प्रॉपरली आपको उसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, मशीनरी परचेज 40,000 रुपीज, यानी कि मशीनरी आपने खरीदी है 40,000 रुपए की। अब यहाँ कैश अकाउंट नहीं बन रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बन रहा है, मशीनरी अकाउंट बन रहा है। और मशीनरी क्या होती है, एक एसेट होती है, और एसेट के बढ़ने पे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर कोई एसेट या फिर हमारा कोई एक्सपेंस है, अगर वो बढ़ेगा, अगर वो बढ़ेगा तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन अगर कोई एसेट हमारा कम हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट, या हमारा कोई एक्सपेंस कम हो जाता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो रूल्स याद रखने हैं आपको, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे और ये रूल्स भी देखा था। चलिए देखिए, मशीनरी हमारी क्या है, एक एसेट है, और 40,000 रुपए से क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। तो सबसे पहली बात, ये हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे ऊपर हम क्या लिख देंगे, मशीनरी, जो कि एक एसेट है। तो मशीनरी अकाउंट हमने लिख दिया। फिर लेफ्ट साइड में हम क्या लिख देंगे, डी आर डॉट, यानी कि ये डेबिट साइड हो गई, और यहाँ सी आर यानी कि क्रेडिट साइड हो गई। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, जिसके अंदर सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट। यहाँ डेट का कॉलम नहीं बना है दोस्तों, यहाँ डेट लिखनी बहुत जरूरी है, आप डेट का कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ डेट लिखी जाएगी, पर्टिकुलर, और फिर इसके बाद अमाउंट, ठीक है ना। अब चूंकि डेट इसलिए हिडन कर रखी है क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर डेट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको यही बताना है कि मशीनरी कब घट रही है और कब बढ़ रही है, इसीलिए डेट को इन्होंने हिडन कर दिया, लेकिन आप लोग जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो डेट का कॉलम यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब सबसे पहला हमारा क्या है, मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज करी है आपने 40,000 रुपए से, तो मशीनरी बढ़ गई होगी, और एसेट के बढ़ने को क्या करते हैं जी, हम डेबिट करते हैं। तो मशीनरी बढ़ गई यानी कि बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा, 40,000 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 40,000 रुपए यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, मशीनरी सोल्ड, यानी कि 10,000 रुपए की मशीनरी आपने सेल कर दी, तो मशीनरी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, असेट हमारी कम हो जाएगी, तो क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो टू बैंक यानी कि सेल करके हमारा 10,000 रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगली एंट्री जो है वो क्या है हमारी, मशीनरी परचेज 8,000। मशीनरी आपने फिर दोबारा खरीद ली है 8,000 रुपए की, तो फिर से बढ़ गई होगी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बैंक, यानी कि परचेज कराया आपने 8,000 रुपए की मशीनरी। और इसके बाद में जो फोर्थ एंट्री है वो है मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है कम कर दे, 14,000 रुपए से मशीनरी क्या हो गई, कम हो गई, तो कम हो गई तो फिर से हम क्या कर देंगे, डिस्कार्डेड लिख करके 14,000 कम कर देंगे। लास्ट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आपकी जो मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट है, उसकी कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है, तो एसेट अगर कम हो गई है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख करके हम 1,000 रुपए और कम कर देंगे। अब बात करते हैं टोटलिंग की। टोटलिंग आप डायरेक्ट मत लिख देना, ठीक है ना, पहले आप रफ में जोड़ लेना, 40 और 8, ये हो जाते हैं आपके 48,000, यानी कि डेबिट साइड आपका कितना हो रहा है, 48,000 का हो रहा है। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, 10 और 14, 24 और 1, 25, यानी कि 25,000। क्रेडिट साइड आपकी कितनी हो रही है, 25,000। अब आप ये देखो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है 48,000, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 48,000 यहाँ भी लिख देंगे, 48,000 यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है ना। अब जो बैलेंस बचा, यहाँ कम बचेगा बैलेंस, यानी कि आपको यहाँ 25 में 23 और जोड़ेंगे तब जाके 48 होगा, ठीक है ना। 25,000 में अगर 23,000 जोड़ेंगे तब जाकर के आपका कितना होगा, 48,000। तो यही आपकी बैलेंसिंग फिगर होती है, और इसे हम कैसे शो करेंगे,
बैलेंस सीडी, यानी कि जो बचा हुआ बैलेंस है वो आपका कितना आ गया सीडी। और इसका अर्थ पता है क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि लास्ट में आपकी मशीनरी जो बची है वो 23,000 रुपए की बची है, आपकी जो भी फर्म या कंपनी है ठीक है ना, उसके अंदर 23,000 रुपए की मशीनरी आपकी बची है। तो ये आपका सॉल्यूशन था, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा है, ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इस बार आपको जो बनाना है वो कैश का अकाउंट बनाना है, हमें देखना होगा इसके अंदर कि कैश आ रहा है या जा रहा है, यानी कि उसे डेबिट करना है या उसे क्रेडिट करना है, ये बात करने वाले हैं। सबसे पहली एंट्री जो है वो है आपकी मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000 रुपीज, यानी कि मोहन ने बिजनेस को स्टार्ट करा है कितने से, 40,000 रुपए से। एक बात बताइए, जब बिजनेस के अंदर कैश आएगा ठीक है ना, तो कैश आएगा तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कैश क्या हो गया आपका, कैश आपका बढ़ जाएगा ठीक है ना। लेकिन कैश बढ़ गया तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन ये किस नाम से बढ़ेगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था दो पक्ष होते हैं, जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैश तो बढ़ जाएगा, लेकिन बिजनेस की भी एक लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल। दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल हो जाएगा। तो देखिए जो कैश बढ़ा है किसकी वजह से बढ़ा है, कैपिटल की वजह से बढ़ा है। तो फिर से हम फॉर्मेट देख लेते हैं, सब कुछ वही रहेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। इस बार हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो ऊपर हेड में हम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या है, कैश अकाउंट है। अब चूंकि पहली एंट्री में कैश बढ़ा है किसकी वजह से बढ़ा है, कैपिटल की वजह से, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जिस चीज का अकाउंट बनता है उसके अंदर वो नाम नहीं आता बल्कि किसकी वजह से वो बढ़ा है या घटा है, वो वजह आती है। तो यहाँ पर वजह क्या है आपकी, कैपिटल है, कैपिटल की वजह से आपका कैश बढ़ा था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल। कैपिटल कितना आ जाएगा, 40,000, यानी कि आपका कैश डेबिट हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, कैपिटल की वजह से हुआ है, तो 40,000 रुपीज आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अगली एंट्री देख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स 20,000 रुपीज, यानी कि आपने माल खरीदा है 20,000 रुपए का, तो हुआ क्या होगा सोचिए जरा, हुआ यह होगा कि माल आपके पास आया होगा, स्टॉक आपका बढ़ गया होगा, लेकिन कैश क्या हो गया होगा, चला गया होगा 20,000 रुपए से। तो 20,000 रुपए आपके गए हैं और आप ये क्या बना रहे हो, कैश अकाउंट, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 20,000 रुपए। और वजह क्या होगी, क्योंकि आपने माल खरीदा है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, परचेजेस, पर्टिकुलर में आ जाएगा परचेजेस, 20,000 रुपए अमाउंट आपका आ जाएगा ठीक है ना। अब देखते हैं अगली एंट्री, अगली एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स 24,000, यानी कि 24,000 रुपए से आपने माल बेच दिया, यानी कि हुआ क्या होगा, स्टॉक तो गया होगा आपके पास से 24,000 रुपए का, इसके बदले में आपके पास कैश आया होगा, कैश आया होगा मींस कैश बढ़ गया होगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। और किस नाम से होगा, सेल्स के नाम से होगा, किस नाम से होगा, सेल्स के नाम से। 24,000 रुपीज हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि सेल की वजह से हमारा कैश बढ़ गया है 24,000 रुपए। अगला देख लेते हैं, अगला जो है हमारा फोर्थ है पेड रेंट या 400 रुपीज, यानी कि आपने किराया दे दिया, किराया दे दिया, तो किराया क्या होता है, आपने कुछ सम ऑफ अमाउंट दिया होगा जो कि लिखा हुआ है 400 रुपीज, तो 400 रुपीज जब आप किसी को दे दोगे तो कैश आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, किसकी वजह से हुआ होगा, रेंट की वजह से हुआ होगा। तो यहाँ पर रेंट लिख करके हम क्या कर देंगे, 400 क्रेडिट कर देंगे ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, अगली एंट्री हमारी क्या है, पेड सैलरी। तो आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी, सैलरी दे दी का मतलब क्या है, आपने कैश दिया होगा, कैश फिर से चला गया हमारे पास से, क्रेडिट हो जाएगा ठीक है। किसकी वजह से हुआ है, सैलरी की वजह से हुआ है, तो सैलरी नाम आ जाएगा ठीक है, सैलरीज से 600 रुपीज डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अगला जो है हमारा वो क्या है, ड्रो फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपीज। तो पर्सनल यूज का मतलब क्या है, ये एक ड्रॉइंग है, यानी कि मालिक ने, ऑनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला होगा, तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो कैश तो कम हो जाएगा ना बिजनेस का, कैश कम हो जाएगा तो अगेन ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ड्रॉइंग कितना हो जाएगा आपका, 1,000 रुपीज, ये भी डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं शेष की, तो यहाँ कितना हो रहा है आपका, जो यहाँ टोटल होगा 40 + 24, ये हो जाएगा 64। और यहाँ अगर हम बात करें ठीक है ना, यहाँ तो आपका कितना हो गया, 64,000 रुपीज हो गया, यहाँ अगर हम टोटल करेंगे तो 20,000 और 1, 21 और 1, 22,000 रुपीज हो जाएगा।
तो 22,000 यहां बन रहे हैं आपके 22,000 रुपए, ठीक है ना। और यहां अगर हम देखें तो यहां कितने बन रहे हैं 64,000 रुपए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 42,000 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है ना, 42,000 रुपीज का। और यही आपका क्या होगा, बैलेंस सीडी। देखिए बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है, कैरीड डाउन, यानी कि अगले अगले मंथ में या अगले ईयर के अंदर ये बैलेंस आगे भेजा जाएगा, ठीक है ना। कैरीड डाउन का मतलब ये होता है। तो ये जो आपका होता है ये शेषफल होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है ना। 42,000 रुपीज इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए, करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, यानी कि इस बार हमें एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है जिसका नाम क्या है, राकेश है, एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। और हमें ये ट्रांजेक्शन जो है ये एक प्रॉपर साइड में दिखानी होगी। तो चलिए पहली एंट्री जो है वो है आपकी गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज। पहले तो आप ये बात समझिए, जो क्रेडिटर का अकाउंट होता है, ठीक है ना, इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। ये आपकी एक लायबिलिटी साइड होती है। तो जब आपने 50,000 रुपए का माल खरीदा है किससे, एक क्रेडिटर से, तो आपके पास हुआ क्या होगा, माल आ गया होगा, लेकिन इसके बदले में आपकी एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई होगी, ठीक है ना। लायबिलिटी के अंदर एक हेड बन जाता है क्रेडिटर का, यानी कि क्रेडिटर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 50,000 रुपए से हो जाएगा। तो ये लायबिलिटी साइड आपकी बढ़ गई है, तो इसीलिए हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज से लेकर के हम क्या कर देंगे, 50,000 रुपए अमाउंट में ऐड कर देंगे। अगली एंट्री देख लेते हैं, गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर 5,000 रुपीज, यानी कि 5,000 रुपए का आपने माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो देखिए जब आपने खरीदा था तो उसे क्रेडिट करा था, इस बार आप माल वापस दे रहे हो तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी कि डेबिट कर देंगे हम, क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि पहले हमें उसे 50,000 रुपए देने थे लेकिन 5 का तो माल वापस कर दिया, आप कितने बचे, 45,000 रुपीज। इसका अर्थ ये हुआ, अभी लिखना नहीं है, इसका अर्थ लेकिन ये हुआ कि अगर हमने 50 से क्या करता, क्रेडिट करता और 5 से डेबिट कराया, तो अब जो मेरा क्रेडिटर बचा है वो कितने का बचा है, 45,000 का। लिखना नहीं है, समझना है खाली। अब अगला क्या है हमारा, पेड टू राकेश, राकेश की हमने पेमेंट कर दी 20,000 रुपए की। अब पेमेंट कर दी है तो फिर से मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, लायबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपए से, और राकेश का अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे 20,000 रुपए से, क्योंकि जब लायबिलिटी बढ़ रही थी तो इधर लिखेंगे और लायबिलिटी घट रही है तो इधर लिखेंगे, ठीक है ना, ये रूल है अपना। अगला क्या है हमारा, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 10,000, यानी कि फिर से हमने राकेश से 10,000 रुपए का माल खरीद लिया, तो अगेन आपकी लायबिलिटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, तो क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज लिख करके हम क्या कर देंगे, 10,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे और आपकी ट्रांजेक्शन खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं टोटलिंग की, अगर मैं इधर टोटल करूं तो ये कितना हो जा रहा है, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए हो जाएंगे। अगर इधर टोटल करें तो दो ही एंट्री थी, 5,000 और 20,000, ये हो जाता है 25,000। तो ज्यादा साइड कौन सी है, ज्यादा है हमारी 60,000, तो दोनों तरफ हम क्या लिख देंगे, 60,000 रुपीज लिख देंगे। अब हम डिफरेंस देख लेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 60 में से जब आप 25 घटाओगे तो आपके कितने बचेंगे, 35,000 रुपए बचेंगे, यानी कि बैलेंस सीडी जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 35,000 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें राकेश को 35,000 रुपए भी और देने हैं, क्योंकि लायबिलिटी हमारी ज्यादा हो रही है और अभी हमने पेमेंट कम करी है, ठीक है ना। तो यानी कि 35,000 रुपए की आपके ऊपर अभी भी लायबिलिटी है, इसीलिए ये कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड में आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर के अंदर, ठीक है ना। एक बात और समझनी है, बहुत ही छोटी सी लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कोई अकाउंट क्लोज होता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डबल लाइन काटी जाती है, ठीक है ना। यानी कि आप जब अकाउंट किसी भी चीज के क्लोज करोगे तो यहाँ कितनी लाइन होंगी, दो लाइन होंगी। इसका मतलब होता है कि ये अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तभी बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है। बहुत छोटी सी जानकारी है ये, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है जी, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर ब्रिज, यानी कि इस बार जो हमें अकाउंट बनाना है वो ब्रिज का बनाना है, जो कि हमारा क्या है, एक डेटर है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी होगा। देखिए डेटर है तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर ये बढ़ेगा तो इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए डेटर जो होता है वो हमारी एसेट होती है, और एसेट के बढ़ने को हम डेबिट करते हैं और एसेट के घटने को हम क्या करते हैं,
क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, देखेंगे सारी एंट्रीज आगे क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन प्रॉपर साइड, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉपर साइड में लिखेंगे सारी ट्रांजेक्शन। जो पहली एंट्री है वो है आपकी सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने ब्रिज को माल बेचा है 25,000 रुपए का, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, आपके पास से माल गया और ब्रिज ने अभी पैसे नहीं दिए हैं, पैसे नहीं दिए हैं तो लेकिन पैसे देगा, तो लेकिन जब तक वो नहीं देगा वो हमारा डेटर होगा और डेटर हमारे बढ़ गए हैं कितने से, 25,000 रुपए से, तो सेल्स लिख करके हम डेबिट को अपना बढ़ा देंगे क्योंकि आपकी एसेट क्या हो गई है, बढ़ गई है 25,000 रुपए से, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी एंट्री थी। अगली एंट्री क्या है हमारी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज, कैश से पैसा प्राप्त हुआ है कितना, 10,000 रुपीज हुआ है, यानी कि कैश हमें कितना मिल गया, 10,000 रुपए मिल गया, इसके साथ साथ हमने उसे अलाउ कर दिया है एक डिस्काउंट 500 रुपीज का, यानी कि देखा जाए तो मेरे डेटर कम हो रहे हैं ना एक तरीके से, क्योंकि 10,000 रुपए मुझे कैश मिल गए, 500 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 10,500 रुपए में क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो एसेट है वो क्या हो गई है, अब कम हो गई है, यानी कि डेटर मेरा कम हो गया है ये कह सकते हैं, तो कैश मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 रुपए से मुझे मिल गए हैं और मैंने एक डिस्काउंट भी दिया है, अलाउड करा था, लेकिन ये क्योंकि डेटर है तो ये इसके कॉलम में हम क्या लिखेंगे कि डिस्काउंट उसने रिसीव्ड करा है कितने का, 500 रुपीज का, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला हमारा क्या है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, यानी कि जो हमने माल बेचा था वो उसमें से कुछ माल उसने हमें क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो कुछ माल वापस करा है, इसका मतलब क्या है, फिर से डेटर मेरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे, कितने से हो जाएंगे, 5,000 रुपीज से, तो सेल्स रिटर्न करके हम क्या लिख देंगे, 5,000 रुपीज लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं टोटलिंग की, तो यहाँ तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है 25,000 रुपीज, और यहाँ अगर हम बात करें 10 और 5 15 यानी कि 15,000, ये हो गए 15,500, क्या हो रहा है टोटल 15,500, यानी कि 15,500 रुपए हमारे क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, जबकि यहाँ कितना है 25,000, जो आपका बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा जी, 9,500, यानी कि इतना पैसा अभी वो हमें और देगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल जो सेल थी हमारी कितनी थी, 25,000 रुपीज की थी, जिसमें से जो एडजस्टमेंट हुआ है हमारा 15,500 का हुआ है, तो ये क्योंकि डेटर है तो इसीलिए बैलेंसिंग फिगर जो हमारी सीडी निकल के आएगी, क्रेडिट साइड में निकल के आ रही है, और इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति हमें इतना पैसा भी देगा, ठीक है ना। अकाउंट क्लोज करने के लिए ये थोड़ा सा हिडन है, ये आप साइड में जोड़ेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये लाइन प्रॉपर आने वाली है, ठीक है ना, प्रॉपर आने वाली है, यानी कि ये 25,000 रुपये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे करके थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी, ये मैंने क्लोज कर दिया, ये ऐसे करके जॉइंट होगा, ठीक है ना, ये ऐसे करके लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, जॉइंट हो जाएंगी, इसे मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये इस तरीके से जॉइंट होगी, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये डेटर अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है ना। डेटर हमारे क्या होते हैं, एक एसेट होते हैं, तो जब भी ये बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं और जब भी ये घटते हैं तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया, कहाँ निकल के आया, क्रेडिट साइड पे, यानी कि इतना पैसा हमें ये डेटर देने वाला है, कितना, 9,500 रुपीज़, ये आपका सॉल्यूशन था। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंटरेस्टिंग क्यों बोला है जी, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर हमें तीन तीन अकाउंट्स बनाने होंगे। देखिए लिखा हुआ है, पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, यानी कि पहला जो होगा हमारा कैश अकाउंट होगा, दूसरा जो है वो एक डेटर अकाउंट है, और तीसरा जो है वो क्या है, क्रेडिटर अकाउंट है, यानी कि कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, तीनों की ट्रांजेक्शन दी है। अब कौन सी ट्रांजेक्शन किसके हेड में जाने वाली है ये हम देखेंगे, और कब वो डेबिट होगी और कब वो क्रेडिट होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। पहली एंट्री जो है वो है हमारी सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है और आपने माल को बेचा है, यानी कि 50,000 रुपये का माल आपने संजय को दे दिया, तो संजय आपका क्या हो गया, एक डेटर हो गया, क्योंकि अब वो आपको इन वापस पैसे देगा, ठीक है, इन फ्यूचर जो भी ड्यू डेट होगी। तो जब तक वो पैसे नहीं देता है वो आपका क्या होगा, डेटर होगा।
और डेटर आपका क्या होता है, एसेट होता है। तो 50,000 रुपए से आप संजय के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देख लीजिए, संजय अकाउंट एक डेटर है, ठीक है ना। संजय का हम अकाउंट बनाने वाले हैं जो कि एक डेटर है। अब 50,000 रुपए आपने क्या करा है, 50,000 रुपए का माल बेचा था, तो उसके अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि वो आपकी क्या है, एक एसेट है। बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो है वो है हमारा सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश 20,000 रुपीज। यानी कि इस बार आपने माल बेचा है, ठीक है, किसको बेचा है, मोहन को बेचा है, और कैश में बेचा है। तो कैश में बेचा है तो ये कैश के अकाउंट के अंदर जाने वाला है। देखिए, कैश की एंट्रीज कैश अकाउंट में होंगी, डेटर की एंट्री डेटर के अकाउंट में होगी, और क्रेडिटर की एंट्री क्रेडिटर के अकाउंट में होगी। तो हमें बहुत ही केयरफुली इसे समझना है कि कौन सी एंट्री किस में जाने वाली है। तो सेकंड एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश 20,000 रुपीज। यानी कि आपने माल बेचा है 20,000 रुपए का, तो कैश अकाउंट आपका क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, और किसके नाम से बढ़ेगा, मोहन के नाम से बढ़ेगा। तो देख लीजिए, कैश अकाउंट जो है, क्योंकि आपने सेल करा है कैश में, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब भी कोई ट्रांजैक्शन अगर कैश में होती है तो उसमें नाम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपने कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी है, चाहे फिर वो परचेज हो या वो सेल हो, उसके अंदर नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये कैश की एंट्री है, तो कैश मत लिखो, आप डायरेक्ट क्या लिख दो कि आपने सेल्स करा है कितने का, 20,000 रुपए का। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं बीच में। जैसे मान लीजिए आप किसी की दुकान पे जाते हैं, अगर आप कैश में कोई सामान खरीदते हो तो क्या वो आपका नाम पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन आप उसी दुकान पे गए, आपने 20,000 रुपए का माल खरीद लिया, और आप कह रहे हो कि भैया मैं पेमेंट बाद में दूंगा, तो भैया वो आपका नाम भी पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, ये भी पूछ लेगा, हो सकता है आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी ले ले वो। लेकिन ये सारी जानकारी वो कब लेगा, जब आप उधार ट्रांजेक्शन करोगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे। लेकिन अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो वो सबकी एंट्री थोड़ी ना लिखेगा कि मैंने कैश इतना इसको दिया, ठीक है ना। तो कैश के अंदर नाम की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधे क्या लिख दोगे कि आपने सेल्स कराए कितने से, 20,000 रुपए से। तो यहाँ पे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कैश की ट्रांजेक्शन है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला क्या है हमारा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम। इस बार हमने माल खरीदा है राम से ऑन क्रेडिट। देखिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, 25,000 रुपए से जब आप माल खरीदोगे तो वो व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। तो ये 25,000 रुपए की एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट होने वाली है, ठीक है ना। और जो क्रेडिटर का बैलेंस होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम परचेज लिख करके इसको क्रेडिट कर देंगे, बढ़ा देंगे कितने से, 25,000 रुपए से। एक लाइबिलिटी आपकी बढ़ चुकी है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना, परचेज लिख करके 25,000 इसमें लिख दिया। अगली एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय। यानी के जो आपने माल बेचा था संजय को 50,000 का उधार, अब संजय क्या कर रहा है, आपको पैसा वापस कर रहा है, कितना, 19,000 रुपए। तो वो तो आपका डेटर था, तो डेटर था, इस बार वो आपको कैश वापस कर रहा है, तो इस बार इसको उल्टा कर देंगे। यानी कि 50,000 रुपए से आपने पिछली बार क्या करा होगा, इसे डेबिट करा होगा, इस बार आप 19,000 रुपए से क्या, इसे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। संजय जो है हमारा डेटर था, तो 19,000 रुपए से इसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि 50 का हमने माल बेचा था, तो हमने यहां लिखा था ये आपकी एसेट थी। लेकिन अब आपकी क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी 19,000 रुपए, क्योंकि अब इसने आपको कैश दे दिया है, ठीक है ना। अगला क्या है, गुड्स रिटर्न बाय संजय। यानी कि जो हमने माल बेचा था उसके अंदर से तो उसने कुछ रिटर्न भी कर दिया, तो रिटर्न कर दिया अगेन, फिर इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न कितने से, 2,000 रुपए से, संजय को हमने क्या कर दिया, फिर से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इसकी लायबिलिटी जो थी और भी ज्यादा क्या हो गई, कम हो गई, अभी हमें और कम देगा। अगली एंट्री क्या है, पेड रेंट 500 रुपीज। यानी कि 500 रुपए का मैंने रेंट पेड कर दिया, तो यानी कि मैंने जो रेंट दिया है वो कैश के फॉर्म में दिया होगा, यानी कि कैश मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश अकाउंट के अंदर आप देखोगे रेंट के नाम से आपने इसे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट कब होगा, जब बढ़ेगा, और क्रेडिट कब होगा, जब घटेगा। अब यहाँ पे आपने पेड करा है 500 रुपीज रेंट, तो आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए आपने क्या कर दिया, इसे 500 लेस कर दिया, ठीक है, यानी कि क्रेडिट कर दिया। अगली जो लास्ट एंट्री है वो है आपकी कैश पेड टू राम। यानी कि राम को आपने पेमेंट करी है कितने की,
15,000 रुपए की, वो भी कैश के अंदर। तो कैश की एंट्री है तो इसीलिए कैश अकाउंट के अंदर जाने वाली है कितनी, 15,000 रुपए। कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपए आपके पास से कैश चला जाएगा। अब पहले प्रिपेयर कर लेते हैं क्या हम अपना कैश अकाउंट। अगर हम डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो कौन सा पक्ष ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15,500 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39,000। तो ज्यादा कौन सा है हमारा, ज्यादा पक्ष ये वाला है। तो दोनों तरफ हम क्या लिख देंगे, 39,000। जो घटेगा यानी कि 39,000 में से आप 15,500 लेस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 23,500। अब एक बात यहाँ समझने वाली है, ये आपका एसेट अकाउंट था, कैश अकाउंट। तो इसीलिए अगर ये डेबिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और क्रेडिट कम हो रहा है, इसका मतलब ये है जो बैलेंसिंग फिगर बच के आ रही है वो आपके पास पूंजी होगी इस समय कैश, ठीक है। यानी कि बैलेंस सीडी जो होगा 23,500 जो दिख रहा है, ये आपके पास वर्थ होगी इस समय कैश 23,500 रुपए। अगर हम बात करें अपने अगले अकाउंट की, अगला अकाउंट था हमारा संजय वाला। संजय के अंदर हमने क्या देखा, संजय के अंदर हमने देखा था कि 50,000 रुपए की तो एंट्री हमारी डेबिट में थी और 19,000 और 2,000 21,000 रुपए यहाँ आ रहे थे, ठीक है ना। तो 50,000 ज्यादा है और 19,000 और 2,000 यानी कि 21,000 हमारे कम है। तो आप 50 में से 21,000 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे आपके, 29,000 रुपए बचने वाले हैं। चूंकि ये आपका डेटर है तो इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा पैसा देने वाला है आपको। कितना ज्यादा देने वाला है, अभी इन सारी ट्रांजेक्शन के बाद 29,000 रुपए ये आपको और देगा, ठीक है ना। अब लास्ट एंट्री जो है आपकी राम वाली है। राम को देखो, आपने पेड कर दिए 15,000 रुपए। इसके अंदर कैश के अंदर तो ट्रांजेक्शन होगी होगी क्योंकि आपके पास कैश आया है, लेकिन इसके साथ साथ 15,000 रुपए की एंट्री जो आपको दिखेगी कहाँ दिखेगी, ये दिखेगी आपको राम के अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये क्रेडिटर है, आपने पेमेंट करी है 15,000 रुपए की, ठीक है ना। मैं चाह रहा था उसी वक्त बता दूं लेकिन मैंने बताया नहीं आपको, इसके डबल इफेक्ट पड़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने राम को पेमेंट करी है। तो दो इफेक्ट होगा, एक तो आपके पास से कैश जाएगा और दूसरी जो आपका क्रेडिटर है वो कम हो जाएगा। पहले 25,000 रुपए का हमने माल खरीदा था उससे, लेकिन अब हमने जो पेमेंट करी है 15,000 रुपए की, तो कैश के अंदर तो इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी एक लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी कि आपने उसे डेबिट करा होगा 15,000 रुपए से, यानी कि जो आपने उसे कैश दिया था। यानी कि डबल एंट्री होती है इसके अंदर। डबल एंट्री क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। अब मैंने मान लीजिए अपनी लायबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए पेमेंट करी है, तो एक तो मेरे पास से कैश कम हो गया, लेकिन दूसरा मेरी लायबिलिटी भी तो कम हुई है। तो इसीलिए यहाँ दो इफेक्ट पड़ने वाले हैं, तो 15,000 रुपये यहाँ भी डेबिट होंगे। अब देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा है, भाई ये 15,000 है और ये 25,000 है, तो कौन ज़्यादा है, 25,000 ज़्यादा है 25,000 ज़्यादा है, तो आप दोनों तरफ क्या लिख दोगे, 25,000 रुपीज़। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 25 में से 15 घटा के कितना बचेगा, 10,000 रुपए, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। और इसका अर्थ ये होगा क्योंकि ये क्रेडिटर अकाउंट है आपका, तो आपको देने थे 25,000 लेकिन आपने दिए कितने हैं अभी, 15,000, यानी कि इधर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपए अभी आप पेड और करोगे, अभी लायबिलिटी आपकी पूरी खत्म नहीं हुई है। तो ये था सॉल्यूशन आपके इस क्वेश्चन का, आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों अकाउंट के, आपका ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। वही वाह, इस बार जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है प्रोप्राइटर का। तो प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, ठीक है ना। तो ओनर ने जो फंड प्रोवाइड कराया था बिजनेस के अंदर, जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, उसका हमें अकाउंट बनाना है कि इसका शेषफल क्या बचा, वो फायदे में रहा, नुकसान में रहा, व्हाटएवर, जो भी हमारी एंट्रीज है। पहली एंट्रीज क्या है देख लेते हैं, 1st April 2018 कमेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीस। यानी कि जो ओनर है उसने 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, कितना लगाया, 2 लाख रुपए लगाया। अगली एंट्री क्या है, 31st मार्च 2019, यानी कि जो साल का अंत था, देखिए
जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा वो होता है 1 अप्रैल to 31 मार्च। ईयर कोई भी हो सकता है लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो यही होगा, ठीक है ना, 1 अप्रैल to 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को बिजनेस से पैसा कितना आया, 2 लाख रुपए। अब ये बोल रहा है कि 31 मार्च को, यानी कि जब साल का अंत हुआ, जब बैलेंस शीट वगैरह बनी, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग नेट लॉस दिख रहा था, यानी कि साल के अंत में इसे एक लॉस दिख रहा था। कितने रुपए का दिख रहा था, 18,000 रुपए का दिख रहा था। कोई दिक्कत नहीं जी, हो जाएगी एडजस्टमेंट। अगला जो है, अगला क्या है हमारा, 31 मार्च 2019 को एक चीज हमें और दिखी, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि इस समय के दौरान जो ओनर था उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ फंड विड्रॉ भी किया था, जो कि कितना था, 15,000 रुपीज था, ठीक है ना। तो अब आगे क्या बोल रहा है, बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेटेड, ठीक है ना। तो क्या बताता है इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है, तो चलिए पहले इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसी को देखते हुए हम बता पाएंगे कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है इनका। तो पहली एंट्री जो है वो आपकी क्या है, बिजनेस की शुरुआत की गई है 2 लाख रुपए से। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जो कैपिटल अकाउंट होता है ये एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी के बढ़ने पे उसे क्या करते हैं जी, हम क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो वही रहने वाला है, लेकिन बैलेंस की जो शुरुआत होगी वो क्रेडिट साइड से होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये ऑनर का होता है, बिजनेस का तो होता नहीं है। तो इसलिए ये आपकी क्या होगी, एक लाइबिलिटी होगी जो इंक्रीज हुई है 2 लाख रुपए से। बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था तो कैश आया था, तो आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपए से। और जो सेकंड एंट्री थी वो नेट लॉस की थी, यानी कि पूरे साल में आपको नेट लॉस हुआ था कितने का, 18,000 रुपए का था। तो लॉस हुआ था तो कोई भी एक्सपेंस और लॉसेज होता है उसे करते हैं हम डेबिट। तो यानी कि 18,000 रुपए कहाँ आ जाएंगे, आपके डेबिट साइड में जाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। नेट लॉस हुआ था आपको कितना, 18,000 रुपए, ये हो जाएगा आपको। इस बार डेट भी दी गई है, तो आप डेट में भी ध्यान रखेंगे कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2018 अप्रैल 1 को कैश, ठीक है, ये डेट डाल देंगे। यहाँ पे डेट क्या आ जाएगी, 31 मार्च, ठीक है ना, 2019, ये शुरुआत की थी 18 की, और साल के अंत में जो दिखा था वो आपका ये था 19 में। तो ये आपका लॉस हो गया 18,000 रुपए का। अब जो लास्ट एंट्री थी वो थी हमारी 31 मार्च 2019 को विड्रॉ किया गया पर्सनल यूज के लिए 15,000 रुपीज। तो ये भी एक तरीके से क्या है, कैपिटल को कम कर रहा था, तो कैपिटल को कम कर रहा था तो इसे भी क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे 15,000 रुपए। अब देख लेते हैं कि इनको क्या बचा लास्ट में, ठीक है। 2 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे, जिसमें से 18,000 और 15,000 ये दोनों इन्होंने क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया, यानी कि 33,000 रुपीज, 33,000 रुपीज इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो जो इनका नेट बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, 1,67,000 रुपीज इनका बैलेंसिंग फिगर होगा साल के अंत में। 31 मार्च को जो बैलेंस दिखेगा इनको कितना दिखेगा, 1,67,000 रुपीज। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके लगाओ धमाधम कमेंट्स, ठीक है, आपको मिलेंगे सॉल्यूशन सारे, नोट कर लीजिए। ये एक लास्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर का, ठीक है ना, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपको प्रोप्राइटर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है, बनाना है, जो आपको ट्रांजैक्शन दी गई है। पहली ट्रांजैक्शन जो है वो 2013 1 अप्रैल की है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹45,000, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है 45,000 रुपये से। तो बिजनेस को स्टार्ट किया गया है तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन एक लाइबिलिटी भी तो क्रिएट हो जाएगी। तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो लाइबिलिटी बढ़ने को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब हम प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसे क्रेडिट कर देंगे हम, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड होती है और ये आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 45,000 रुपये इसमें लिख दिया जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगला जो है वो है हमारा 10th मई। 10th मई को क्या हुआ है, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज, यानी कि ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। तो बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो इसका मतलब क्या है, ये एक ड्रॉइंग हो गई, और ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। तो जब बढ़ा था तो क्रेडिट कर रहा था, अब घटा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए से डेबिट हो जाने वाला है। अब अगला जो है हमारा
15 जुलाई को क्या हुआ है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी कि 55,000 रुपए मालिक ने फिर से बिजनेस के अंदर लगा दिया, तो कैपिटल क्या होगी बढ़ गई, यानी कि कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या, आपकी लायबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई का मतलब क्या है कि ये क्रेडिट होगा, यानी कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, 55,000 रुपए से इसे फिर से हम बढ़ा देंगे, जैसे कि फर्स्ट में करा था वैसे ही हम क्या कर देंगे थर्ड में भी कर देंगे, क्योंकि दोनों में ही क्या कर, क्या किया गया है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब अगला देख लेते हैं हम, 13 नवंबर को इनकम टैक्स पेड किया गया है 5,000 रुपीज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनकम टैक्स पेड करा गया है इसके नाम में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। इनकम टैक्स, इनकम मतलब मालिक की जो इनकम थी उसके ऊपर उसने टैक्स दिया है और वो भी इसमें से कटवा दिया, तो भाई वो तो उसका पर्सनल यूज था ना, जो उसकी इनकम का टैक्स था वो अपने बिजनेस में से क्यों कटवा रहे हो, कटवा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग हो जाएगा। ड्रॉइंग का मतलब क्या है, आपको डेबिट कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, यानी कि जो इनकम टैक्स आप दोगे वो एक ड्रॉइंग कहलाएगी और 5,000 रुपए डेबिट कर दिए जाएंगे, क्योंकि जब बढ़ रहे थे तो हमने क्रेडिट करा था, अब घट रहे हैं तो उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगला क्या है हमारा, प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 रुपीज, यानी कि साल के अंत में आपको क्या दिखा, 30,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा, तो प्रॉफिट दिखा यानी कि कैपिटल बढ़ गई होगी, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई होगी। लायबिलिटी बढ़ गई होगी का मतलब क्या है कि आप इसे क्रेडिट कर दोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा 30,000 रुपए से। बस आपकी एंट्री सारी हो चुकी है, अब टोटलिंग कर लेते हैं हम। जब हम इसकी टोटलिंग करेंगे तो रफ में करते हैं इस साइड को और इस साइड को, जो भी ज्यादा साइड होगी उसे हम लिख देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो यहां देखते हैं 10,5,15 यानी कि 15,000 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो हमें ऐसे ही देखने में पता लग गया कि ये साइड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो 45,000, 55,000 एंड 30,000, ये बन जाता है कितना, 1,30,000। तो 1,30,000 बहुत ज्यादा है 15,000 के मुकाबले, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद 1,30,000 में से आप 15,000 क्या कर दो, लेस कर दो, तो जो आपका बचेगा वो क्या बच जाएगा, 1,15,000। और चूंकि एक कैपिटल अकाउंट है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऑनर का बैलेंस बचा है साल के अंत में, कब, 31 मार्च 2014 को, यानी कि 31 मार्च 2014 को जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, 1,15,000 रुपीज इसका शेष बचा है बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे आपके साथ। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और आगे के बाकी चैप्टर्स करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने इस YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। इसी तरीके से हम पूरी बुक सॉल्व करने वाले हैं, तो अपना साथ और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।